नमस्कार आज के वीडियो में और एक डिफरेंस वीडियो के बारे में बात करेंगे और आज हम बात करने वाले हैं डिस्मोजम्स और हेमी डिस्पोजोम के बारे में डिस्मोजोम्स और हेमी डिस्मोजोम्स क्या है क्या अंतर है डिस्पोजोम्स और हेमी डिस्पोजोम्स में उसके बारे में बात करेंगे देखो इंटरसेल्युलर जंक्शन बोल के एक टॉपिक होता है जो सी एस एन एट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे आईसीएमआर जी आर एफ में भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है गेट लाइफ साइंस में गेट बायोटेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरसेलुलर जंक्शन ये जो टर्म मैं यहां पे लिखता हूं इंटर इंटर इंटरसेल्युलर जंक्शन ठीक है इंटर मतलब बीच का सेलुलर मतलब सेल्स तो दोनों सेल उसके बीच का जो इंटरेक्शन है वो इंटर सेलुलर जंक्शन कहा जाता है तो ये इंटर सेलुलर जंक्शन जो है इस इंटरसेलुलर जंक्शन का अलग अलग टाइप का इंटरसेलर जंक्शन हम देख सकते हैं और यहां पे अलग अलग टाइप ही हम देख रहे हैं और इसमें हमें आता है टाइप जंक्शन हमारे पास है गैप जंक्शन हमारे पास है डिस्मोजोम्स हमारे पास है हेमी हमारे पास है जो एडहेरेंट जंक्शन तो ऐसे अलग अलग नाम होता है टाइप जंक्शन गैप जंक्शन डिस्मोजोम्स हेमी डिस्मोजोम्स जंक्शन इसके बारे में डिटेल टेबल के वीडियो ऑलरेडी है इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे और हेमीडेस्मोम का अंतर क्या है क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता और का जो प्राइमरी अंतर यही होता है कि उसका पोजिशनिंग क्या है दोनों सेल्स की बात कर ले हम यहाँ पे और ये देखो ये दो सेल्स ऐसे साइड बाई साइड प्लेस्ड है तो यहाँ पे ना हमारे सामने ऑप्शन है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट सेल्स के अंदर होंगे इसको टाई करना होता है बीच में और नीचे भी राइट सो डेस्मोसोम्स और हेमिडेस्मोसोम्स का जो लोकेशन है अलग डेस्मोसोम्स दोनों सेल के बीच साइड बाई का इंटरक्शन में पाए जाते हैं प्राइमरी डिफरेंस तो कनेक्शन की बात करें डेस्मोसोम्स क्या करता है लिंक सेल टू इच अदर दो सेल को एक के साथ एक जोड़ता है ये डेस्मोसोम्स का रोल है सेल टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अब हो सकता है यहां पे मैंने आपको बताया सेल को इंटरेक्ट किया गया है विथ द बेसमेंट मेम्ब्रेन हो सकता है बाहर एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक स्ट्रक्चर हो जो प्रोटीन और शुगर से बना हुआ हो वहां पे इंटरेक्शन किया जाता है वहां पे इंटरेक्शन भी ये डिस्मोजोम्समोजोम uh, द्वारा किया जाता है ठीक है दैट इज इट सेकंड इज प्राइमरी फंक्शन डेस्मोजोम्स प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी बिटवीन द सेल सेल्स के बीच आपस का जो मैकेनिकल स्टेबिलिटी है स्ट्रेंथ है वो प्रोवाइड करता है डेजमोजोम और हेमीडेजोम्स सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ एंकरेज करने में मतलब इस जो जगह है यहां पे ज्यादा काम आता है ज्यादा मदद करता है यह हेमीडेजोम का रोल है मेन कॉम्पोनेट्स की बात करें तो डेज्मोजोम्स बना हुआ होता है कैडेरिन से कैडेरिन प्रोटीन से क्योंकि ये सारे प्रोटीन स्ट्रक्चर्स ही हैं आप मुझे देख रहे हो मतलब 99% प्रोटीन देख रहे हो

तो धूप से धूल से मिट्टी से इंफेक्टिवेजन से सब कुछ उसके अंदर तो वहां पे ज्यादा होता है स्ट्रेंथ चाहिए इसीलिए वहां पे ज्यादा डेस्मोजोम्स पाए जाते हैं हार्ट मसल्स में भी डेस्मोजोम्स चाहिए होता है क्योंकि वहां पे इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल काम करता है बीटिंग करता ही रहता है ठीक है और हिमीडेस्मोजोम्स <coughs> एपिथेलियल सेल्स में पाए जाते हैं और बैजल सरफेस में मतलब जब टिश्यू बनता है ना तो टिश्यू का एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम बैजल मेंब्रेन कहते हैं उसके ऊपर अलग अलग सेल्स जो है ऐसे प्लेस्ड होते हैं और ये सेल्स जो प्लेस्ड होते हैं जो कोई भी लेयर ऑफ मेम्बरेन बैजल मेंब्रेन के ऊपर अलग अलग सेल्स अलग अलग किस्म के सेल्स प्लेस्ड होते हैं उसको एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू तो वो एपीथेलियल सेल्स में ही पाए जाते हैं हेमीडेजमोजोम्स और वो स्टिचिंग के लिए मदद करता है सेल्स को बेसल मेम्ब्रेन के साथ जोड़ने में वो मदद करता है ये उसका काम है। लोकेशन है। कौन -कौन सी के साथ डिटैच हो जाए ना तो कोई कॉम्पैक्टनेस ही सी नहीं रहेगा जो चीज हम देखते हैं एज एन ऑर्गेन कितना लगता है कि एकदम फुर्सत से बनाया गया है वो चीज नहीं रहेगा एक सेल एक सेल के साथ खोल जाएगा और वो बबल जैसा बन जाएगा मतलब ऐसे बबलीनेस हो जाएगा जिसको तो ब्लिस्टरिंग डिजीज बोलते हैं वो हो जाएगा हेमीडेस्मोजोम्स कैन लीड टू ब्लिस्टरिंग डिजीज ड्यू टू द डिटैचमेंट वो भी ब्लिस्टरिंग डिजीज तो so, डेस्मोसोम और हेमीडेस्मोजोम्स में अगर कोई बीमारी है खराबी है मतलब मान लो कि आपके शरीर डेस्मोकोलिन डेस्मोग्लीन नहीं बना पा रहा है या फिर इंटेग्रींस ठीक से तैयार नहीं कर पा रहे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे इंटेग्रींस ठीक से नहीं हो पा रहा है तो ब्लिस्टरिंग डिजीज हो सकता है आपकी इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स में भी दिक्कत आ सकते हैं क्योंकि ल्यूकोसाइड एक्स्ट्रा वेसेशन और जो ल्यूकोसाइड रोलिंग होता है वो प्रोसेस में भी दिक्कतें आएंगी इंटेग्रेन अगर नहीं रहा तो इसीलिए ये जनरली ये डिफेक्ट्स नहीं रहता है मगर डिफेक्ट्स जनरली कंजेनेटल होता है बर्थ डिफेक्ट के साथ और उसमें शरीर में ऐसे ब्लिस्टरिंग डिजीज होता है जगह जगह पे ब्लिस्टर जैसा स्ट्रक्चर्स बन जाएगा कुछ बिना किए ही ठीक है तो इन प्राइमरी डिफरेंस है डेस्मोजोम्स और हेमीडेस्मोजोम्स के बीच में कभी मत बोलना आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना कोई बात नहीं अलग अलग की अलग अलग लोगों की पसंद होते हैं। मगर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में लोग बहुत कम बुक्स पढ़ रहे हैं उससे क्या हो रहा है उनका इंफॉर्मेटिव नॉलेज ज्यादा तैयार नहीं हो पा रहा इसीलिए सी नेट की पार्ट बी में उनका मार्क्स कम होता रहा हमारे स्टूडेंट्स का भी और बाकी सारे स्टूडेंट्स का भी इसीलिए किताब को रिप्लेस हम नहीं कर सकते बट आई मेकिंग दिस टेबल्स फॉर यू ताकि आपको हर एक टेबल से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले क्योंकि टेबल एक छोटी सी टेबल होते हैं मगर उसके अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रहता है वो सारे इंफॉर्मेशन आप गैदर कर पाओ और उसको लेके आप एग्जाम हॉल में जा पाओ और एग्जाम्स लाइक नेट गेट आईसीएमआर जे आर एफ और बाकी किस्म के किसी भी प्रकार के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में ये टेबल की सीरीज आपकी मदद करेगा ये गारंटी है इसलिए और दोस्तों के साथ शेयर करो शेयर करने से कोई छोटा नहीं हो जाता है ऐसा नहीं है कि आपको जानना है दूसरे को नहीं जानना है क्योंकि ये सारे वीडियो पब्लिक डोमेन में है, आप थोड़ा शेयर करेंगे तो हमें मदद मिलेगा और उसके साथ साथ सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगे तो ताकि ऐसे वीडियो फ्यूचर में मिल पाए ये